स्वागत है गाइस आप सभी का। एनएफटी आपको क्यों बाई नहीं करना चाहिए? आपका जो पैसा है एनएफटी में अगर आपने डाल दिया तो 99% चांस है कि आपका पैसा के जो है ना सत्यानाश हो जाएगा। वो पैसा आपका समझ लीजिए गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड वे में की जा रही हैं जो कि नए यूजर्स को समझ में नहीं आता है। एनएफटी के नाम पर जो है ना कि उसमें वो पैसा अगर लगा दिया ना तो उसके पैसे की यहाँ पर गारंटी नहीं है कि वो कभी भी वापस आ पाएगा। कैसे, आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे एनएफटी के सबसे बड़े मार्केट ओपनसी पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ आल एनएफटी। यहाँ पे शॉर्ट बाय भी मैं करता हूँ, हाईएस्ट प्राइस सबसे ऊपर आएगा, प्राइस हाई टू लो यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस आप देखेंगे, इसका प्राइस आप देखिए कितना है, एक के बाद 14.0 है। ये इथेरियम का प्राइस है और यहाँ पे इसका जो डॉलर में प्राइस देखेंगे तो क्वाट्रिलियन डॉलर में इसकी यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिलेगी। सोचिए इसका यहाँ पे प्राइस ये डाला गया है। और भी एनएफटी का प्राइस देख लेंगे ना तो यहाँ पे 100 ट्रिलियन इथेरियम के बराबर आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा। अब सोचे इनको खरीदेगा कौन, किसके पास इतना पैसा है? इतना पैसा तो किसी कंट्री के पास भी नहीं होगा जितना यहाँ पे इनकी सबकी प्राइस चल रही है। होता क्या दोस्तों, जो यहाँ पे एनएफटी लिस्ट करता है, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप इसका क्या प्राइस रखना चाहते हैं। लिस्टिंग प्राइस लिस्ट होने के बाद अब डिपेंड करता है कि जो खरीदने वाला है वो क्या चाहता है, वो क्या वो इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या आपका यहाँ पे ऐसा लिस्ट पड़ा रहेगा। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का एक दौर चलता है। एनएफटी का दौर जो है 2020-21 में जब क्रिप्टो में बुल रैली चल रही थी तो उस टाइम एनएफटी को मतलब इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था कि एनएफटी में आप पैसा लगा दीजिए, वो एनएफटी आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगी। तो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे एनएफटी बाई कर लेते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने उस टाइम बाई किया था वो आज भी लेके बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने भी एक एनएफटी बाई करके रखा था और आज तक वो सेल ही नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पे एक बार बाई कर लिया तो गारंटी नहीं है, 99% ये होगा कि आपका एनएफटी वो दोबारा सेल ही नहीं होगा। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में एनएफटी को लेके कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे इतने सारे क्रिएटर आ चुके हैं और एनएफटी में पैसा लगाने वालों की संख्या कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुका है यहाँ पे कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब इन सब का कोई यूज केस नहीं है तो फ्यूचर कहाँ से हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ रिसेंटली सोल्ड पे जाके कि यहाँ पे रिसेंटली में कितने कौन कौन से एनएफटी सोल्ड हुए हैं, अभी आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ये वाला है एनएफटी यहाँ पे सोल्ड हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल हुआ, और कब सेल हुआ, अभी एक मिनट पहले जस्ट सेल हुआ है। और इसको 4 महीने पहले बनाया कौन था, ये 256 CUB है इसने बनाया था। और अभी जो बाई यहाँ पे किया हुआ है, पोर्टेंट ने यहाँ पे बाई किया हुआ है इस अकाउंट ने। और ज़्यादातर केस में दोस्तों ये होता है कि जो यहाँ पे बाई करता है वो उसी का अकाउंट होता है, जो यहाँ पे मिंट करता है यानी जो एनएफटी यहाँ पे अपलोड करता है उसी का अकाउंट होता है। वो अपने दूसरे अकाउंट से ही यहाँ पे बाई करता है। बाई करने पे क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया ना रिसेंटली सोल्ड, तो यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा तो लोग ये सोचेंगे भैया ये तो एनएफटी यहाँ पे बिक रही है यार, चलो इसको हम भी खरीद लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, आप भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि हाईएस्ट लास्ट सेल ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट सेल जो प्राइस है वो 1,24,457 इथेरियम में यहाँ पे खरीदा गया है। अब देखें यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले बनाया किसने था, साइबर PNK वाले अकाउंट से यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला बंदा यहाँ पे खरीदता है। अब यहाँ पे जो टोकन एंजल्स है यहाँ पे ये सेल करता है इस वाले बंदे को ANTBB, इसको यहाँ पे सेल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा से सेल होता है, ये जो है कि इसको सेल करता है। अगर आप यहाँ पे अकाउंट देखेंगे, ये वाला अकाउंट आपको 498 दिख जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफर होता है इसी अकाउंट से इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और फिर जो है यहाँ से इस वाले अकाउंट में जाता है। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे ट्रांसफर किस में हुआ है, इसी वाले अकाउंट में जो यहाँ पे सेल किया था, ये वाला अकाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कुल मिला के मतलब यही लोग हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये अकाउंट सेम है, ये वाला भी अकाउंट यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे बाई खुद ही किया गया है 1,24,457 इथेरियम से, और यहाँ पे ट्रांसफर भी दोबारा से जो है कि फिर वापस उसी अकाउंट में यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यार 1,24,000 इथेरियम यहाँ पे सेल हुआ है, तो यानी यार आप सोचिए पहले 38 इथेरियम में सेल हुआ, फिर 110 इथेरियम में सेल हुआ, फिर ससुरा यहाँ पे 1,24,000 इथेरियम में सेल हो गया, यानी इतना बड़ा रिटर्न यहाँ पे हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, वहीं ससुरे सब आपस में ही कर रहे हैं सारी चीज़ें, समझ रहे हैं, और ये एक नया बंदा आके यहाँ पे फंस जाता है। मैक्सिमम केसेस में आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखिए इन सब एनएफटी का कोई यूज केस नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब पहले मैं आपको अपना यहाँ पे एक एनएफटी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है, मैंने भी काफ़ी दिन पहले एक एनएफटी ये वाली यहाँ पे बाई की थी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2.1
डॉलर में मैंने यहाँ पे बाई किया था और मैंने यहाँ पे सेल पे कई बार लगाया, लेकिन ये सेल ही नहीं हुआ, क्योंकि इसको खरीदेगा कौन? कोई यूज केस नहीं है, क्यों खरीदेगा इसको कोई? मार्केट में क्या होता है दोस्तों ना, हाइप क्रिएट किया जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज देखा होगा कि एक लड़का जो है अपनी सेल्फी का यहाँ पे NFT बना के करोड़ों रुपए में बेच दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिसने वहां पे खरीदा उसका तो कट गया ना, उसको वहां पे दोबारा उसको प्रॉफिट कैसे होगा? उसके पैसे तो डूब गए, 1 करोड़ रुपए देके चलो मान लो वो सेल्फी की जो NFT खरीद लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किसको बेचेगा फिर? उसका दोबारा कौन खरीदेगा? खरीदार तो होना चाहिए ना, जब कोई खरीदेगा तभी तो उसका प्रॉफिट होगा, और नहीं खरीदेगा तो उसका तो जो एक बैंड बच गया है। वही मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, कई सारी NFT मैंने यहाँ पे उठा के देखी, जैसे कि ये वाले जो अकाउंट है NFT होनर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दूसरे पे भी आपको NFT होनर्स दिखेगा, CC9 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे CC9 है, कई सारे NFT भी आपको जो है ना कि यही सब सारे सेम अकाउंट आपको दिखेंगे, मतलब यही लोग खरीद रहे हैं यही लोग बेच रहे हैं। और मार्केट में ये होगा कि भैया ये NFT जो है ना यहाँ पे $80 में बिक रहा है, यहाँ पे इसको अगर हम 80 में खरीदेंगे इसको हम बाद में $400-$500 में इसको हम बेच सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपने यहाँ पे एक बार खरीद लिया उसको अगर आपने लिस्ट किया तो दोबारा वो सेल होने की गारंटी वहाँ पे नहीं है। 99% केसेस में यहाँ पे देखा जाता है कि उनका जो NFT है वो कभी सेल ही नहीं होगा। हम जैसे कि ये देख ले गधा गधाई है यहाँ पे, इसको कौन खरीदना चाहेगा, इसका क्या यूज केस है, हमें क्या मिलेगा इस सबसे, मतलब क्या करूँगा मैं इस इमेज को खरीद के मैं क्या करूँगा है? अगर मान लीजिए मैं तो यहाँ पे बेवकूफ बन जाऊँगा, लेकिन मैं इसको जब यहाँ पे बेचने जाऊँगा तो क्या गारंटी है यहाँ पे वो दोबारा से वो बिक जाएगा? हमने तो मान लीजिए अभी इसका जो प्राइस है $800 के यहाँ पे हमने खरीद लिया 50,000-60,000 रुपये का, अब इसको मैं बेचूंगा तो कौन खरीदने आएगा? तो यहाँ पे जो लॉस के चांसेस है वो कितने हैं? आप समझिए 100% है, क्योंकि सामने वाला भी तो कोई होना चाहिए खरीदार। अब मान लीजिए जैसे क्रिप्टो कॉइन है, उसमें क्या होता है कि उसमें तो खरीदार रहते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट कब होता है, जब आप यहाँ पे सेल करते हैं, और जब आप सेल कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है उस टाइम कोई ना कोई उस प्राइस पे बाई कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाई और सेल के जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे लगे हुए, जिसे जो रेड वाला है यहाँ पे सेल, मतलब यहाँ पे इतने में सेल हो गया, जो यहाँ पे ग्रीन वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, जो जो ग्रीन प्राइस आपको दिख रहा है वो उतने प्राइस में यहाँ पे बाई हुआ है, तो सामने वाले जो है ना काफी ज्यादा लोग रहते हैं बाई करने के लिए और सेल करने के लिए, तो आपका वहाँ पे बाई और सेल होता है क्रिप्टो। लेकिन NFT के केस में सामने वाला कोई है ही नहीं, फ्यूचर में कोई आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्रिप्टो होता है उसका प्राइस कैसे होता है, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी होती है, मतलब लाखों करोड़ों में कम्युनिटी होती है, वो लोग मिल के प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन NFT के केस में क्या होता है, NFT भी एक समझिए कि वो क्रिप्टो ही है, लेकिन उसकी कम्युनिटी कितने लोग हैं कम्युनिटी में? अब मान लीजिए कुछ यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, उनके जो हजारों में फॉलोअर्स होते हैं, तो कम्युनिटी के बेस पे जो है कि वहाँ पे NFT बाई और सेल किया जाता है, यानी एक मेंबर जो है कि बाई करेगा, फिर क्या होगा वो हाईएस्ट प्राइस पे सेल पे लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरा कम्युनिटी मेंबर उसको हाई प्राइस पे बाई करेगा, तो पहले वाले का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कम्युनिटी है ही नहीं, अगर मान लीजिए आप कोई सा भी अगर यहाँ पे NFT उठाएंगे तो उसका क्रिएटर कौन है, उसका जो है कि मार्केट में कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, ये सब आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। वरना आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो लोग अपना एक NFT लॉन्च कर देते हैं, एक आध बार खरीद लिया कोई, 2-4 बार खरीद लिया कोई, उसके बाद कौन खरीदार आता है? कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे मार्केट में एक फेक हाइप क्रिएट किया जाता है NFT को लेके, और यहाँ पे फेक सेलिंग होती है, फेक बाइंग होती है, फिर लगेगा आपको यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे आप यहाँ पे पैसा लगा के कोई NFT खरीदेंगे तो आपका वहीं पैसा ब्लॉक हो जाएगा, खत्म, क्योंकि आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। अगर आपने क्रिप्टो लिया है तो उसको एट द टाइम आप सेल भी करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन NFT के केस में भैया उसको आप सालों इंतजार करते रह जाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे सेल पे और उसका फिर एक्सपायरी हो जाएगा, फिर से आपको लगाना पड़ेगा, फिर लगाएंगे, फिर क्या होगा, कोई नहीं खरीदेगा। हो सकता है कि एकाध केस में आपका कोई NFT बिक जाए, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका हर बार बिक ही जाएगा। बाकी अगर आप NFT क्रिएटर हैं तो आप NFT अपलोड करिए, क्या पता कोई जो है कि यहाँ पे आपका खरीद ले, कोई मसीहा आके, मतलब या कोई नया बंदा आके वो फंस जाए और आपका प्रॉफिट हो जाए, बाद में सेल के लिए डालेगा, फिर उसका सेल ही नहीं होगा। सेल होगा, लेकिन उसके लिए जो है ना कि कम्युनिटी बड़ी होनी चाहिए, उसको लोग इंटरेस्टेड हों उस चीज़ को खरीदने के लिए, या उसके पीछे कोई बड़ा ब्रांड हो, या फिर उसका यूज केस होना चाहिए। अब इन सब घोड़ा हाथी भालू बंदर यहाँ पे लंगूर अंगूर का कोई तो यूज केस है ही नहीं। हाँ, इन सब का यूज केस वहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जो NFT होती है उस NFT के बेस पे अगर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है या फिर आप जो है ना कि कुछ लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ पे उन सबका थोड़ा बहुत यूज केस होता है। गेमिंग बेस्ड जो NFT होते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप NFT बाई कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म की जो NFT होगी अगर आपके पास है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा या फिर आपका कुछ लेवल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो इन सब का कोई यूज केस नहीं है और आपके सारे पैसे यहाँ पे वेस्ट होने के 99% चांस है। प्रॉफिट अगर आपका हो गया तो चलिए आप बहुत लकी हैं,
अदरवाइज आपका यहाँ पे पैसा लॉस हो सकता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि अभी NFT का वो दौर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और NFT में आप पैसा अपना नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे फंस जाएगा, लॉस हो जाएगा, या लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।